रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब और भी भीषण होती चली जा रही है। पिछले काफी समय से रूस यूक्रेन पर चुन चुन कर हमले बोल रहा है। माना जा रहा है कि हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन के लिए बचा हुआ एक एक हथियार काफी अहमियत रखता है, लेकिन रूस सोची समझी रणनीति के तहत यूक्रेन के चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन कई बार से रूस के तेल, गैस उद्योग और ऊर्जा सुविधाओं को नुकसान पहुंचा रहा था, जिसको लेकर अमेरिका ने भी यूक्रेन को आगाह किया था कि वो रूस के तेल भंडारण साइट्स पर हमले ना करे, क्योंकि इससे दुनिया भर में तेल की कीमतों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस चेतावनी के बाद भी यूक्रेन धीरे धीरे रूस के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, खासतौर से तेल रिफाइनरियों और इंडस्ट्रियल साइटों पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले जारी रखे हैं। इस सबके बीच रूस ने भी तीखा पलटवार करते हुए यूक्रेन को एक ही हमले में जोर का झटका देकर हिला डाला है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी सेना ने ज़ेपोरिजिया शहर में एक यूक्रेनी ड्रोन निर्माण और भंडारण सुविधा पर सटीक हमला कर जमकर तबाही मचाई है। इस्कंदर सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की ओर से किया गया है। ये हमला कीव शासन की ओर से रूसी तेल और ऊर्जा सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों की प्रतिक्रिया के रूप में था। माना जाता है कि रूस ने यह हमला यूक्रेन के सैन्य औद्योगिक परिसर, हथियार और यूएवी बनाने वाली वर्कशॉप के साथ साथ ऊर्जा सुविधाओं पर हमले की एक लंबी सीरीज का हिस्सा बताया है। अपने दावे की पुष्टि करते हुए रूसी सेना ने हालिया हमलों का एक फुटेज भी जारी किया है। इसके अलावा रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी सशस्त्र बलों ने नेटो देशों की ओर से कीव को सौंपी गई ड्रोन नौकाओं के साथ साथ दो S-300 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम और एक P-18 सर्विलांस और टाइगर रेडार के साथ एक गोदाम को नष्ट किया है। साथ ही 107 अलग अलग यूक्रेनी इलाकों में यूक्रेनी मैन पावर और सैन्य उपकरणों को तबाह किया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने बीते 24 घंटे में 293 यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया है, साथ ही 4 हिमार्स और उर्गन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुई है। साथ ही रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने पिछले 24 घंटों में डोनेस्क क्षेत्र में 370 सैनिकों और एक टैंक को खोया है। रूस के बैटल ग्रुप साउथ ने कई यूक्रेनी ब्रिगेड को हराया और 9 जवाबी हमलों को नाकाम कर दिया। इसके अलावा बताया गया कि रूसी सशस्त्र बलों ने यूक्रेनी हमलों के बाद अपनी फ्रंट लाइन की पोजीशन में सुधार किया है। पिछले 24 घंटों में अवदेवका क्षेत्र में 11 यूक्रेनी जवाबी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। वहीं रूसी हमले से भड़के अमेरिका ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बताया कि अमेरिका ने रूस के ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट से सेना हटाने का आह्वान किया है। यूरोप के सबसे बड़े संयंत्र पर कब्जा करके रूस एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है। अमेरिका पूरे यूरोप पर नजर बनाए हुए है, लिहाजा रूसी एक्शन पर यूक्रेन क्या कदम उठाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।